इससे आपका काम भी आसान हो जाएगा, क्योंकि हकीकत जानने के लिए सच का पता होना जरूरी है। मैं बहुत जल्द यूनिवर्सिटी जाकर राणा साहिबा से भी मिलूंगा। अच्छा, मैं भी आप ही की तरह सोचती हूँ, पर तुम हमारी तरह करती बिल्कुल नहीं हो। जब तक ये तुम्हारे सर पर है, तुम कैसे कामयाब हो सकती हो? देखिए मैं क्या करती हूँ, उसे बर्बाद कर दूंगी मैं, उसे अपने आप से नफरत हो जाएगी। ये काम जल्द अज जल्द खत्म हो जाना चाहिए, इसलिए जितनी जल्दी हो सके हुलिया से बात कर लो, उसे जैसे नौकरी पर रखा था वैसे ही निकाल दो। मैंने बात कर ली है, जिन स्टूडेंट से सवालात पूछने हैं उन्हें चुन लेते हैं। हाँ, मगर तुम्हारा हदफ सिर्फ मैं नहीं होंगी। फिर कौन होगा? जिन स्टूडेंट से हमने बात की थी उनमें से एक है, सबके सामने वो अपनी जिंदगी के बारे में बताएगी और उसे जज्बात में लाने वाले तुम होगे। आइए। यही है वो लड़की, अभी हम तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे थे। कहीं तुम घबरा तो नहीं रही असलम? वो असल में आपसे एक बार फिर बात करना चाहती हूँ मैं। तुम लोग जाओ, मुझे जरा इससे बात करनी है। राणा मैडम, मैंने बहुत सोचा है, सारी रात मुझे नींद नहीं आई, ये मुझसे नहीं होगा, सबके सामने नहीं आ सकूंगी मैं। या अल्लाह, मैं तो सारे इंतजामात मुकम्मल कर चुकी हूँ, बल्कि रकम भी भिजवा दी है उन्होंने तो, और कहा है कि जो स्टूडेंट पढ़ना चाहता है उसे दे दे। अब भला बताओ कि मैं उन सबको क्या जवाब दूंगी और ये सारी रकम मैं किसे दूंगी? जिसकी जिंदगी बर्बाद हुई वो तुम हो, मुझे तुम्हारी बात पर सख्त अफसोस हुआ। लेकिन इसका उन पैसों से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकूंगी, स्कार्फ नहीं खोल सकती हूँ मैं। अफसोस है, तुम्हारी अम्मी के लिए भी जॉब तैयार थी, वो लोग यूनिवर्सिटी के किचन में कुछ जॉब्स दे रहे हैं, तनख्वाह, इंश्योरेंस, आने जाने का किराया, शाम 5 बजे छुट्टी और इसके अलावा हफ्ते में 2 छुट्टियां। शायद वो जिंदगी में पहली बार सुकून का सांस लेती, और वो भी तुम्हारी वजह से। तो ये सब कैसे कर सकती हूँ मैं? तुम ये सब ऐसे कर सकती हो, क्या हो गया, क्या कोई कयामत आ गई या फिर दुनिया में आग लग गई? दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो बजाहिर नेक नजर आते हैं पर उनके अमाल ठीक नहीं होते। मेरा ये कहना है कि तुम सिर्फ अपने दिल को देखो, दिल साफ होगा तो तुम खुश रहोगी और कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। स्टूडेंट्स ने यहाँ पर बैठना है। सर आए प्लीज, आपकी सीट यहाँ है।
बेटी तुम आज भी काम कर रही हो, आराम कर लेती आज तुम। आपका शुक्रिया, लेकिन घर में दिल नहीं लग रहा था और काम भी तो जरूरी था ना। अभी कल ही तो तदफीन हुई है तुम्हारी अम्मी की, काम इतना भी जरूरी नहीं? अगर मैं काम नहीं करूंगी तो और क्या करूंगी? वैसे भी मरने वालों के साथ इंसान मर तो नहीं सकता ना, मैं मजबूर हूँ, काम करना जरूरी है। दरअसल मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाह रही थी। एंजी साहिबा को तो जानती हो तुम, कल जब तुमने फोन किया वो यहीं पर थी, उन्हें भी सुनकर बहुत अफसोस हुआ और वो तुम्हें बहुत पसंद करती हैं। कहती हैं कि अगर तुम चाहो तो तुम्हें रिहाइश और काम दे सकती हैं। फिलहाल मैं कुछ कह नहीं सकती। कोई जल्दी नहीं है, सोच लो, मेरे ख्याल में बात मान लेनी चाहिए तुम्हें, क्योंकि ऐसा मौका बार बार तो नहीं मिलता ना। इसमें औरतों की फितरत भी शामिल होती है, बुराई से तो हम पर्दा किए बगैर भी बच सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम सिर्फ पर्दे में ही खुद को महफूज रख सकते हैं, महफूज रहने के लिए इंसान का मजबूत इरादा ही काफी है। आप थोड़ा ओपनली बात करेंगे क्या? क्यों नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि 17-18 साल की लड़की अपने लिए जो भी फैसला कर ले उस पर वो सारी जिंदगी कायम रहे। हम इंसान हैं, हम अपना फैसला बदल भी सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम अपने आप को रिवायात में कैद करके रखें। यानी जबरदस्ती पर्दा करवाया जाता है? बिल्कुल। देखिए, हमने काफी स्टूडेंट से बात की है, उनमें से किसी ने भी अपनी मर्जी से स्कार्फ नहीं बांधा। उनसे कुछ पूछो तो वो जवाब नहीं देती। आखिर उन्होंने ये स्कार्फ क्यों बांध रखा है ये बात वो खुद भी नहीं जानती। गुनाह, सिर्फ यही बात पता है उन्हें। मैं आपसे पूछती हूँ कि सिवाय सर पर बांधने के ये आखिर क्या है? मैडम, इस बारे में अक्सर लोगों का कहना है कि हमें तो इतना मजबूर कर दिया गया है कि ना तो हम कुछ कह सकें और ना ही अपनी मर्जी कर सकें। हमसे जबरदस्ती हमारा हक छीना जा रहा है। ये सब इल्जामात हैं। जो भी ये कह रहा है वो इंसाफ से काम नहीं ले रहा, और अगर अब भी मैं कुछ कहती हूँ तो वो कभी भी नहीं समझेगा। इसीलिए जो ये सब कुछ कहता है उसी से पूछना बेहतर है। जैसे इनके लिए मजाक है ना कोई? अगर सब कुछ ऐसा है तो कौन बात कर सकेगा? मैं भी यही कह रही हूँ कि जबरदस्ती किसी के साथ नहीं, लेकिन हमारे पास एक ऐसी स्टूडेंट है जो अपनी मर्जी से ये सब कुछ शेयर करना चाहती है आपके साथ। मैं उसे बुलाती हूँ, बाकी के सवालात उससे पूछ लीजिएगा। ओज़लम है ये तो। मुझे तो ये लगता है कि ओज़लम ने दस्तखत कर दिए हैं और अब इसे मजबूर किया जा रहा होगा। आपने ठीक कहा परवीन साहिबा, आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं, कहते हैं कोई मुदाखलत ना करे, पर ऐसे तो काम नहीं ना होते। हमारे मुताबिक इन दोनों बच्चों की आपस में जान पहचान कराना जरूरी है। मैं आज शाम के बारे में सोच रही थी, क्या आप फ्री होंगी? इसी बहाने दोनों बच्चे भी मिल लेंगे एक दूसरे से और हम लोग अपनी बात भी कर लेंगे। चलिए तो फिर ठीक है, आज शाम को 8 बजे मिल लेते हैं दोनों। अपना ख्याल रखिएगा। सब ठीक तो है ना मैडम? आज शाम खाना बनाने की जरूरत नहीं है, आज बाहर खाएंगे। काम खत्म होने के बाद हम शाम को सब एक ही जगह इकट्ठे होंगे।
आज की शाम बहुत खास है। कोई खुशखबरी है? खुशियाँ ही होंगी इंशाल्लाह। टेनिस के सिलसिले में जा रही हूँ। अब एरिक की बर्बादी मुझ पर फर्ज है। मुझसे पहले भी काफी स्टूडेंट से बहुत सारी बातें की गई और वो बातें सुनकर हम सब डर गए, लेकिन जब मैं वहां पर गई तो ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे तो ये सब बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी तरह से बात की गई। तुम्हारे साथ क्या बात हुई थी और किस तरह के सवाल पूछे गए थे? कि स्कार्फ क्यों बांधा हुआ है और इदारे के उसूलों के खिलाफ क्यों जाना चाहती हो? जो तुमने जवाब दिए वो बताओगी क्या? असल में औजलम की अम्मी चाहती हैं कि ये अपना स्कार्फ खोल दे। जो लड़की मर गई उसकी फैमिली भी नहीं चाहती थी कि वो स्कार्फ बांधे। तो फिर कौन चाहता है कि ये लोग स्कार्फ बांध के रखें? कौन हो सकता है इस मामले को हवा देने वाले और सियासत में आने का शौक रखने वाले? कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वो लोग किसी के दबाव में आकर ये काम करवा रहे हैं। तो फिर क्या उस ग्रुप ने तुम्हें रोकने की कोशिश की? जी हाँ, बिल्कुल रोकते हैं मुझे भी। ये कैसी बात कर रही है वो? ज़िया सही कह रहा था, कन्विंस हो गई है। कहते हैं अगर मैंने स्कार्फ खोल दिया तो मुझे इज्जत की नजर से कोई नहीं देखेगा। एक बात जानती हूँ मैं, वो लोग भले मुझे कुछ भी ना कहे पर अब वो मुझे अपने साथ शामिल नहीं करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी औजलम ने एक फैसला किया है, वो ये कि औजलम पढ़ना चाहती है। अपनी जिंदगी में कभी भी नाकाम होना नहीं चाहती वो। वो एक काबिल इंसान बनकर इस मुल्क की और यहाँ के लोगों की खिदमत करना चाहती है। तो ये स्कार्फ उतार कर कौन सी खिदमत अंजाम दे रही है ये बताए। तुम इस बारे में क्या सोचते हो? चार पांच दिन पहले तक तो तुम स्कार्फ के हक में थी ना औजलम, बताओ अब तुम्हें किसने मजबूर किया है ऐसा करने पर? औजलम तुम ये जरूर किसी के दबाव में कर रही हो। कोई मुझसे जबरदस्ती ये सब नहीं करवा रहा, मुझे खुद ये सब करने की जरूरत है। पर्दा करना तुम्हारा फर्ज है और एक ना एक दिन हम ये जंग जीत के रहेंगे। कैसी जंग जीत कर रहेंगे? अगर मुझे निकाल देंगे तो क्या तुम मेरा साथ दोगे? जब मुझे नौकरी नहीं मिलेगी मैं घर पर बैठी रहूंगी, ऐसा ही होगा और तुम लोग कहोगे यही किस्मत थी। उस वक्त मेरा साथ कोई नहीं देगा और ये बात मैं अच्छी तरह जानती हूँ, इसलिए मैंने फैसला किया है कि जो मुझे बेहतर लगेगा मैं अपनी जिंदगी के लिए वही करूंगी। नहीं डरूंगी किसी से, क्योंकि मैं पढ़ना चाहती हूँ। स्कार्फ खोल दिया। दोस्तों वो आ रही है, हम सब मिलके अपने गुस्से का इजहार करेंगे, ठीक है? की इंसान हो तुम, ना तुम में दीन है ना ही ईमान। बिक गई है ये, बिक गई है। जिया ये क्या कह रहे हो? तो क्या खामोशी से खड़ा रहूं? झुका दिया इसने हमें। कितने पैसे लिए? हाँ कितने पैसे? जो सही था उसने वही किया, तुम कौन होते हो उसे रोकने वाले? आप यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ये गुनाह है मेरे दोस्तों। कैसा गुनाह? नीचे दिखाया इसने हमें। भागो 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 भ
माफ चाहिए। शुक्रिया। देखा उन्होंने क्या क्या कहा मुझे। अभी और भी कहेंगे, बहुत कुछ कहेंगे, और इस साल के आखिर में तुम इन सब सवालों का जवाब भी दोगी उन्हें। ऐसा वक्त जरूर आएगा जब वो लोग यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल होने के लिए मिन्नतें कर रहे होंगे और तुम डिग्री लेकर निकल रही होगी वहां से। रो मत, तुम अब उनमें से नहीं हो, बल्कि तुम्हें उन सब लोगों के लिए मिसाल बनना है। आज तक जिस रास्ते पर नहीं चले वो, मुझे यकीन है कि तुम उन्हें उस रास्ते पर चलाओगी। अब चलो बैठो गाड़ी में, तुम्हारे लिए शॉपिंग करनी है, क्योंकि अब तुम पहले वाली असलम नहीं रही। अब चले। इस तरह के धोखेबाज के लिए हमारे दरमियान कोई जगह नहीं है। अगर कोई है जिसने हमारे दरमियान शामिल नहीं होना, वो अभी यहाँ से जा सकता है। यहाँ पे हमारे दरमियान गद्दारों के लिए कोई जगह नहीं है। इसकी बात मत सुनना। एलिफ, हमने ये जद्दोजहद साथ शुरू की थी, अब तुम जाकर ओज़लम की मिन्नत तो नहीं करोगी ना? उन्होंने जो किया वो अब तुम कर रहे हो। कौन अकलमंद है कौन बेवकूफ, इसका फैसला तुम करोगे। ज़िया, मैं अपने दोस्तों को गुनाह से बचा रहा हूँ। तुम हो कौन? तुम खुद क्या चीज हो ज़िया? क्या तुम बहुत नेक हो? तुमसे कभी कोई गुनाह नहीं हुआ? फरिश्ते हो तुम क्या? अगर हाँ कहना चाहते हो तो फिर जारी रखो। बेहतरीन आलू, ताज़ा आलू आ जाए। आलू ले लें, आलू ले लो, ताज़ा आलू। भाई आलू ले लीजिए, भाई आलू ले लीजिए, ताज़े हैं बिल्कुल, ले लीजिए, काफ़ी सस्ते हैं ये। भाई ज़रा ऊंची आवाज़ लगाएं, इस तरह तो आपके आलू शाम तक नहीं बिकेंगे। थोड़ा ऊंचा बोलें। आलू ले लीजिए, सस्ते और ताज़ा आलू ले लीजिए, बिल्कुल ताज़ा हैं ये। भाई ज़रा मुझे 1 किलो आलू दे दें प्लीज़। जी अभी ले। मैं दुआ करती हूँ कि ओज़लम अपने फैसले पर पछताए ना। मेरे ख्याल से पछताएगी, लड़की का दिमाग उलझा दिया है, पता नहीं क्या कहा है राणा ने उसे। माफ़ी चाहती हूँ, पर क्या स्काफ खोलने के लिए कोई ख्वाहिश होना ज़रूरी है? सोचा होगा अच्छी तरह कि यही ठीक है। ऐसा होता तो रोती ना, देखा नहीं था उसका हाल, मुश्किल से जान बचाई। फिल्स, बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन तुमने हमारे लिए क्या किया बताओ? क्या मतलब इसका बोलो? फिल्स ने हमारे लिए अपनी फैमिली को छोड़ दिया, क्या जानती नहीं हो तुम? मैं भी तो यही कह रही हूँ, अगर स्कार्फ बांध के रखना इतना अच्छा है तो ये भी स्कार्फ बांध ले। क्या ऐसा कर सकती हो फिल्स, बताओ मुझे। मौजू अब मैं हूँ क्या? मौजू ओज़लम है, हर कोई अपनी मर्जी का मालिक है। एलिफ ने ठीक कहा, कोई किसी से जबरदस्ती कुछ करवा नहीं सकता। सुहेला, मैं किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ, ओज़लम हमारी दोस्त है इसलिए कह रही हूँ। अगर तुम अपना हिजाब उतारना चाहती हो तो इसका जवाब मेरे पास नहीं है। तुम ऐसा सोच रही हो सुहेला, अपना स्कार्फ खोल दोगी क्या? ताज़ा आलू 100 रुपए में 5 किलो ले लो, 5 किलो ले लो, 5 किलो ले लो, बिल्कुल ताज़ा आलू 100 रुपए में 5 किलो ले लो, 5 किलो ले लो, आलू ले लो, आलू ले लो। भाई 1 किलो आलू दे दें। जी अभी लीजिए। ये 1 किलो से ज्यादा है। ताजा आलू आ गया, ताजा आलू आ गया, जल्दी कीजिए जल्दी, थोड़े रह गए हैं बस, बस थोड़ा माल ही रह गया। खुशामदीद डेनिस भाई। शुक्रिया हुलिया। मैं बस जाने ही लगी थी। अच्छा, घर में कोई नहीं है क्या? नहीं, शिनाई मैडम पार्लर गई हैं और संजार साहब अभी तक आए नहीं। ठीक है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, चलो अंदर चलकर करते हैं। जी ठीक है।
चलो वहां उस जगह जाके बैठते हैं। क्या हुआ है? उलिया, एलिफ नहीं चाहती कि तुम यहाँ काम करो। लेकिन मैं यहाँ खुश हूँ अपने काम से। देख लो, तुम्हें दूसरी नौकरी ढूंढ दूंगा, लेकिन तुम्हारी मर्जी भी जरूरी है। यानी मुझे यहाँ काम नहीं करना? हाँ, ये अब नामुमकिन है, क्योंकि कुदरत साहब भी अब यहीं पर रहते हैं। अगर वो जान गए कि तुम उसकी बहन हो तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। मैं तुम्हारे लिए दूसरी नौकरी ढूंढ दूंगा। इसकी जरूरत नहीं है, मुझे दो तीन जगहों से ऑफर है काम की। क्या वाकई? कैसी ऑफर है वो? डेनिस, क्या बातें हो रही हैं? मैं डेनिस भाई को बता रही थी कि मुझे काम की ऑफर हुई है। सोचा कि इनसे मशवरा कर लूं कि मुझे वहां जाना चाहिए या नहीं। दरअसल कुदरत कमांडर के घर जाना है, इसीलिए फैसला किया कि मुझे वहां जाना चाहिए। ठीक है, नया फैसला मुबारक हो तुम्हें। मैं खुद ही एनजी साहिबा को बता दूंगी। फारिग हो गई है तो जा सकती हो। आपका शुक्रिया। डेनिस, आज शाम तुम फ्री हो ना? मुझे कहीं नहीं जाना अम्मी। ये डिनर इसीलिए तो है कि तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारें। आज मैंने जरूरी काम से जाना है। हमारी आपस में कोई बात ही नहीं हो रही, इस बहाने तुम लोग आपस में मिल भी लोगे। अम्मी आप दोबारा से शुरू मत कीजिए। ऐसी कोई भी बात नहीं है मेरी जान, कोई और बात है। कुछ और? ठीक है अम्मी, लेकिन खाने के बाद मैं वहां से चला जाऊंगा, मुझे कुछ काम है जरूरी। ठीक है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ मुझे क्या करना है, आप फिक्र ना करें। शर्मा क्यों रही हो? इस तरह पहली बार कहीं बाहर आई हूँ, लगता है सब मुझे ही देख रहे हैं। बहुत जल्द ही तुम्हें इन सारी चीजों की आदत हो जाएगी। अब हम ब्यूटी पार्लर चलते हैं ताकि सारी लड़कियां तुम्हें देखकर जेलस होने लगे। इसकी जरूरत नहीं है। क्या जरूरी है ब्यूटी पार्लर जाना? जरूरत तो है, क्योंकि सभी स्कार्फ बांधने वालों के लिए तुम एक नमूना हो। मेरा मानना है कि सभी लड़कियां ये चाहती हैं कि वो अपना स्कार्फ खोल दे, पर वो हिम्मत पैदा नहीं कर पा रही। जैसा कि सुहेला है ना, वो जानती हो ना, उसे मेरे सामने फूट फूट कर रो रही थी कि मैं नहीं जानती ये सब कैसे करूं, क्योंकि उसके साथ वो जो एलिफ है ना, वो उसे भटका रही है। अगर तुम उससे बात करो तो हो सकता है उसके अंदर भी हिम्मत पैदा हो जाए। लगता है तुम्हारी तरह उसे भी हिम्मत अफजाई की जरूरत है। शुरू में तुम्हारे साथ भी तो ऐसा ही था, तुम्हारे अंदर हिम्मत तो थी लेकिन एहसास दिलाना जरूरी था। निकाल देंगे तो क्या तुम मेरा साथ दोगे? जब मुझे नौकरी नहीं मिलेगी मैं घर पर बैठी रहूंगी, ऐसा ही होगा और तुम लोग कहोगे यही किस्मत थी। मेरा साथ कोई नहीं देगा और ये बात मैं अच्छी तरह जानती हूँ। इसलिए मैंने फैसला किया है कि जो मुझे बेहतर लगेगा मैं अपनी जिंदगी के लिए वही करूंगी, नहीं डरूंगी किसी से, क्योंकि क्योंकि मैं पढ़ना चाहती हूँ।
बाबा, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया मेरी जान, कैसी हो? खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या है शाहीन, इतने सारे आलू और प्याज क्यों ले आए? ताकि अपनी बेटी को आलू के चिप्स बनाकर दे सकूं। वैसे मुझे भी खाने हैं। कल मैं भी ले आई थी, अब घर में बहुत सारे आलू और प्याज हैं। सस्ते मिले हैं इसलिए ले आया। कोई बात नहीं, किसी और को भी दे देंगे। तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही मौसम की वजह से। वो सारा दिन बाहर रहा ना, तो इसके लगता है कि ठंड लग गई है। तुम्हारे लिए सूप बना देती हूँ, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। हाँ ठीक है। अम्मी मेरे लिए आलू और अंडे बना दे। वाकई मेरा भी बहुत दिल कर रहा है खाने को, क्या तुम बना दोगी हमें? अभी बना देती हूँ, चलो। तुम मुझे ऐसा करने से रोक नहीं सकती। तुम नौकरी नहीं करोगी, जान लो अच्छी तरह। डेनिस ने तुमसे कहा नहीं है क्या? अब क्यों आ जा रही हो वहाँ पर? मैं अपना काम करूँगी क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। तुम में जरा सी भी शर्म नहीं? शर्म तो तुम में नहीं है। वो शादी करा है फिर भी उसे मदद ले रही हो। कौन शादी कर? डेनिस करा है, डेनिस। एलिफ जानती है और वो भी बहुत जल्दी। जब वो शादी कर लेगा फिर तुम क्या करोगी? हाँ बस बहुत हो गया हुलिया, आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है बताओ मुझे। ना करो एलिफ, ना करो। अब क्या हुआ है तुम लोगों को? हर दिन झगड़ा, हर दिन झगड़ा। तुम किस तरह की लड़की हो? तुम्हारी अम्मी का इंतकाल हो गया, तुम ऐसे कह रही हो जैसे तुम इनकी बेटी ही नहीं हो। तुम्हें क्या मसला है? हाँ सुहेला, सुहेला इसकी बात मत सुनो। अब तो खुश हो ना तुम। मैं तुम्हें कह रही हूँ कि बिना वजह ना सोचो, समझी तुम? झूठ बोल रही हो, जेलस एलिफ से इसलिए ऐसा कर रही हो तुम। वाकई? तो जाकर खुद अपनी आंखों से देख लो। समर रेस्टोरेंट में सारी फैमिली जमा हो रही है आज। हम वहां जाकर बैठते हैं। आह, इत्तेफाक तो देखो, दीमर साहब भी यहीं हैं। अम्मी ये क्या कर रही हैं आप? ये तो एक इत्तेफाक है डेनिस, चलो सलाम ही कर लेते हैं। माफी चाहता हूँ मगर मैं अब यहाँ पर नहीं रुक सकता, जा रहा हूँ मैं। ऐसा मत करो, देखो ना हमें बुला रहे हैं, चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? जी शुक्र है, आपका क्या हाल है? कैसे हैं सर आप? ठीक हूँ मैं। ये कितना बड़ा हो गया है, बचपन के बाद इसे आप देख रही हैं। तशरीफ रखिए। जपरात नहीं आई क्या? किसी काम से गई है, कह रही थी आने की कोशिश करूंगी। शायद आ जाए, अभी अपने दोस्तों के साथ है। जी बिल्कुल, हम खाना ऑर्डर कर लेते हैं, तब तक वो भी आ जाएगी। जी जरूर। जैसे मुझे बहुत परवाह है, वो जिससे मर्जी मिलता फिरे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शादी करनी भी चाहिए डेनिस को, असल में तो वो अच्छा इंसान है, इंशाल्लाह खुश रहेगा शादी के बाद। यार धोखा मत दो अपने आप को, तुम अंदर ही अंदर जेलस हो रही हो। ऐसा नहीं है यार, बस मान जाओ अब तुम के उससे प्यार करती हो, क्यों हिचकिचा रही हो? हम एक दूसरे के लिए सही नहीं है, वो एक ऑफिसर है और मैं एक आम सी लड़की। एलिफ मोहब्बत क्या ये सब देखती है? यहाँ से निकलती है, यहाँ से नहीं। हुलिया सरासर झूठ बोल रही है, अपनी आंखों से क्यों नहीं देखती हो? बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं।
में कोई बहाने नहीं बना रही, जो सच है वही कह रही हूँ मैं। तो फिर चलते हैं और देख लेते हैं, मगर वादा करो अगर लड़की ना हुई तो एक चांस और दोगी डेनिस को। जाओ जाओ, जाकर खुद ही देख लो तुम लोग अपनी आंखों से। क्या कर रही हूं मैं? अगर मैंने बात ना की तो मैं पागल हो जाऊंगी। हेलो हेलो अर्दम, मैं सुहेला। सुहेला, तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम मिल सकते हैं, तुम फ्री हो तो कहीं बैठकर चाय पीते हैं। चाय? तुम और मैं, क्या कोई और भी होगा? नहीं तो? तो फिर मैं नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकते तुम? पहले तुम मुझे बहाने से बुलाओगी वहाँ और उसके बाद मुझे मार मार के भगा दोगी वहाँ से। ऐसी कोई बात नहीं है। तुमने खुद ही तो कहा था कि ये ऑफर मेरे लिए ठीक नहीं है। उसके बाद तुमने ये सोचा होगा कि मैं इससे बदला कैसे लूं, इंतकाम लेना चाहती हो ना मुझसे? नहीं बिल्कुल नहीं, बस मैं नहीं आऊंगा सुहेला। एड्रम, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मुझे पता है कि मैंने तुमसे बहुत गलत तरीके से बात की है। तुमसे मिलकर सॉरी कहना चाहती हूँ मैं। मुझसे? यानी तुमने सॉरी कहना है? ठीक है, मैं ठीक है पहुंचता हूँ। मरकज यूनिवर्सिटी में तुम लेक्चर ले रहे हो, कैसे हालात हैं अब? थोड़े उलझ रहे हैं, आज एक कॉन्फ्रेंस भी थी वहां पर, आज शाम को टीवी पर भी आएगी ये कॉन्फ्रेंस, राणा मैडम ने की है। जानता हूँ उस कॉन्फ्रेंस को। उसके नजदीक तो ये रहनुमाई है, लेकिन जरूर कोई मजबूर हो जाएगा। क्या कोई है जिसने स्कार्फ खोल दिया? क्यों नहीं होगा, बहुत जल्दी सारी हकीकत सामने आ जाएगी। अच्छा है, वक्त पर उठा दिया। बेटा एक बड़ी बोतल ले आओ, आप लोग पियेंगे ना? अगर डेनिस भी हमें ज्वाइन करे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। आप बहुत मुख्तलिफ हैं। और एक वो भी तो हैं, अलबॉय। पहचान गए ना? हाँ पहचान गया, बहुत अच्छी तरह से। परवीन साहबा, क्या कोई बात है, ये प्राग क्यों नहीं आई? कहती है ये सब इतना आसान नहीं होता, शादी करने के लिए मोहब्बत का होना बहुत जरूरी है। अगर मिलेंगे तो वो भी हो जाएगा, मेरा मतलब है कि इसे भी हम बड़ी मुश्किल से लाए हैं। हम गलत तो नहीं जा रहे ना? नहीं नहीं, पता है मुझे उस जगह का, करीब ही है। एक्सक्यूज मी, मैं जरा एक फोन करके आया। कोई बात नहीं, चले हम खाना शुरू करते हैं। हाँ हाँ ठीक है, चले शुरू कीजिए। आप डेनिस हैं? हाँ बोलो। आपको मेरे साथ चलना है। मुझे? कहाँ पर? मालूम नहीं, मुझे नाम और एड्रेस बताया गया है। आए बैठे।
वो वहाँ है। जी आइए, खुशामदीद। आप दो अफराद हैं क्या? हम एक फ्रेंड को ढूंढ रहे थे। तो अंदर आकर देख लीजिए। नहीं, हम जरा देख लें, अगर यहाँ हुए तो आ जाएंगे। जी ठीक है। देखा तुमने, डेनिस नहीं है, कोई लड़की भी नहीं है, बस फैमिली के साथ डिनर कर रहे हैं। झूठ बोला है उलिया ने, झूठ। मत आया करो इसकी बातों में। चलो अब। एलिफ, अपना प्रॉमिस याद है ना? एक चांस और दोगी डेनिस को? जगह तो हो। अरे ये देखो, आपके बाबा भी आ गए। खुशामदीद। आज तो बहुत थक गया, बहुत काम था, बहुत। डेनिस, तुम चाय पियोगे क्या? नहीं, मूड नहीं है। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें तो चाय अच्छी लगती है ना? नहीं, मैं ये गेम नहीं खेलना चाहता। आश्ता, ये उठ जाएगी। कैसे उठेगी, ये तो नकली बेबी है। अरे तो तुम कौन से सच में कमांडर हो? डेनिस, मुझे कुछ कहोगे नहीं तुम? खुशामदीद। शुक्रिया। बाबा का फोन। तो सुन लो ना। बुझने दो। क्या कहा उसने? डेनिस की कोई जरूरी काम याद आ गया, वो इसके लिए सॉरी कह रहा था। इसकी जरूरत नहीं संजार, हम नौजवानों को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। इन दोनों ने हमें गुस्सा दिलाया है। चलें छोड़ें, हम अपना डिनर क्यों खराब करें? मैं और परवीन साहिबा इन्हें मिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप लोगों ने बिल्कुल ठीक कहा। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो हम एक कप चाय और पी लें। सॉरी कहा तो है मैंने। तो क्या हुआ, हमें एक कप चाय और दीजिएगा, जरा जल्दी। क्या हुआ, परेशान लग रही हो? यूनिवर्सिटी में जो हुआ तुमने सुना है? हाँ सुना तो है, एक लड़की भी मर गई है और आज एक ने सबके सामने अपना स्कार्फ भी उतार दिया। मुझे भी बुलाया था वहाँ पे एड्रम। इन्वेस्टिगेशन वाली जगह पर? हाँ उसी की बात कर रही हूँ। फिर क्या पूछा उन्होंने? इंसान के माजी के बारे में उसे बताया जाता है, पहले उन्हें बहुत मजबूर करते हैं ताकि वो इनकी सब बातें मान ले। ऐसा क्या कहते हैं कि हर कोई उनकी बात मानने को तैयार हो जाता है? वो आखिर ऐसा क्या पूछते हैं? मैं पहले स्कार्फ नहीं बांधती थी। ठीक है, तो क्या हुआ, बाद में भी तो इंसान अपने फैसलों को बदल सकता है ना? मैं बदलना नहीं चाहती, मैं स्कार्फ खोलने के लिए मजबूर हूँ, वरना पढ़ाई मुकम्मल नहीं हो सकती। बहुत मना किया था लेकिन उन्होंने इस डिनर को भी अरेंज करके ही दम लिया, इसीलिए मैं भी वहां से निकल आई। फिर अच्छा किया और मुझे भी बचा लिया उस टेबल से। सिर्फ टेबल से? मैंने तो तुम्हें शादी से भी बचा लिया। इंसान को प्यार होना चाहिए, जैसे कि उसको देखते ही दिल की धड़कन तेज हो जाए। तुम्हारे मुतालिक? मेरे मुतालिक? ओ, वो सनम तो नहीं हो सकती। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? बहुत सी बातें सुनने को मिलेंगी। कल मेरी सनम से मुलाकात भी हुई थी, अजीब सी है। क्या कोई और लड़की है?
तुम्हें कैसे? क्या मतलब, क्या मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ? उस वक्त तुम बहुत अजीब से थे, मालूम नहीं था इतने स्मार्ट हो जाओगे। कितने अच्छे दिन थे ना, तुम सबसे अच्छी दोस्त थी मेरी। फिर बन जाते हैं, अब तो मैं यही हूँ। तो तुमने फैसला कर लिया है कि पढ़ाई मुकम्मल करने के लिए अपना स्काफ उतार दोगी, पर तुम लोगों की बातों से डर रही हो। ऐसी बात नहीं है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं बहुत परेशान हूं। तुम ही बताओ एड्रम, क्या करूं मैं? अगर स्काफ खोल दिया तो सब ताने मार मार के जान ले लेंगे, ऐसा करने से दोस्तों से दूर हो जाऊंगी मैं। बास दफा सोचती हूं कि सब कुछ छोड़कर यहां से कहीं दूर चली जाऊं, मैं उनकी बात मानने के लिए मजबूर नहीं हूं, कहीं भी चली जाऊंगी मैं, यहां से दूर, जहां कोई भी मुझे हकारत की नजरों से ना देखे। भला कौन तुम्हें हकारत की नजर से देखेगा, फिल्स या फिर एलिफ? जो तुम्हें चाहता है वो बाद में भी चाहेगा। तुम्हें कैसे पता? मेरा दिल कहता है। इसीलिए तो अच्छी लगी हो तुम, मेरी फैमिली वाले भी ऐसे ही हैं, स्काफ को पसंद करते हैं। अगर तुम्हें जरूरी लगता है तुम स्काफ खोलना चाहती हो तो मैं जरूर तुम्हारा साथ दूंगा। सुहेला सुहेला ही रहेगी जैसे पहले थी, जरा सी बात पे नाराजगी और उसके बाद फिर फौरन से मान जाना, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। बहुत देर हो गई है, चलती हूँ मैं। एक चाय और पी ले? नहीं बस काफी है। ठीक है, मैं बिल दे दूं, फिर साथ चलते हैं। बिल लाइएगा प्लीज। ओह डेनिस आइसक्रीम खाओगे? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, क्या चाहिए बेटा? ये वाली हमें दो आइसक्रीम दे दें। जरूर, क्यों नहीं। वो डेनिस है ना? क्या हुआ, सच कहा था ना मैंने? वहां ही थे, खाना खा रहे थे। तुम यहां? तुम यहां पर? ज़ैनब, ज़ैनब! अगर मेरी एक बेटी है तो हक भी है। वो मर गई। मैंने फैसला कर लिया, अब मेरी वापसी।